हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सो ये वीडियो जो है मैं दोबारा बना रही हूँ, ठीक है। और सॉरी फॉर प्रीवियस वीडियो की वो वीडियो क्लियर नहीं थी, सो सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर जो है ये 10th क्लास की इंग्लिश की है, ठीक है। सब्जेक्टिव पार्ट की आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। क्वालिटी जो है जितना हो सकता है क्लियर रहेगी, ठीक है। देखिए फर्स्ट में ये जल्दी जल्दी मैं करवाऊंगी ताकि वीडियो लेंथी ना हो। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट के अंदर आप लोगों को ये चीज़ें आ रखी हैं, एक एप्लीकेशन है और दूसरी चीज़ जो है आपको यहाँ पर दोनों एप्लीकेशन हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसी से मिलते जुलते सारे लेटर्स कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपके फ्री के मार्क्स दिलाएंगे, इन तीन चीजों में से आपको एक करना है। फर्स्ट इज पैराग्राफ, देन स्टोरी और उसके बाद में रिपोर्ट। तो ये आपको कर लेना है, ठीक है। इनमें से एक चीज, आप तीनों चीजें पढ़ के जाइएगा। उसके बाद में आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स, ये करेक्टर स्केच और लॉन्ग क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको और लिखा है तो कोई भी एक करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा इनका। फिर देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, आपको इन्हीं चैप्टर्स में जहां जिस चैप्टर से ये क्वेश्चन आए हैं ना, इनमें से दो दो तीन तीन क्वेश्चन सब चैप्टर्स में से पढ़ने हैं, ठीक है। इनमें से आपको कोई भी चार करने हैं, सात आठ क्वेश्चन आपको दिए होंगे, ठीक है। दो मार्क्स का है तो दो ही लाइन खर्च करनी है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद अगला, तीन मार्क्स के दो क्वेश्चन हैं, यहाँ पर चार दिए हैं, कोई भी दो करने हैं। तो ये भी आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद में आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स, यहाँ पर 100 वर्ड्स में है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद में सेवन्थ क्वेश्चन है जो ये थ्री करने हैं, कोई भी आपको पाँच दिए हैं। तो देखिए आई होप ये आपको समझ आ गया होगा बेटा। ये क्वेश्चन आंसर्स जितने हैं और ये करेक्टर स्केच जितने हैं और ये जो क्वेश्चन जितने हैं, ये आपको सारे के सारे याद करने हैं, ओके। इनसे मिलते जुलते जितने हों सारे के सारे पढ़ लीजिएगा, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इन्हीं से मिलते जुलते इन्हीं के चैप्टर से रिलेटेड और जो तीन चार क्वेश्चन हो वो भी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो क्लियर हो रही होगी बेटा, और प्रीवियस वीडियो के लिए बहुत बहुत सॉरी, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।